ये बुलेट ट्रेन है, इसका भी टिकट अलाउ है, बट इसे 3 या 4 दिन पहले बुक करना पड़ता है। और दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये है यहाँ का टिकट घर, यहाँ से टिकट बाय कर सकते हो। देखो अकमल भाई साहब है, ये पे करने का कह रहे हैं कि, और रात मैंने अपना स्लीपिंग बैग निकाल के मैं सो गया स्टेशन पर, मेरा किराया ये पे कर देंगे। तो मतलब मैं जैसा कि बताया था ना, समरकंद उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत ही गुड हैं। Hey guys, welcome back to my channel. This is Raj Akbar Vlog. So, वापस से स्वागत करता हूँ फिर से मैं अपने नए ब्लॉग में। मेरी सीरीज चल रही है उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन एक कंट्री है दोस्तों। उज़्बेकिस्तान के अंदर हम तो ताशकंद के अंदर, ताशकंद जैसे हुआ, जैसे उज़्बेकिस्तान का कैपिटल हुआ ताशकंद, जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, उसी तरीके से एक सिटी है ये, यहाँ का कैपिटल है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ताशकंद से समरकंद। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को पता होगा समरकंद क्या है, नहीं पता तब भी ठीक है, गुड, आप लोग को भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों समरकंद जाने के लिए हम आ गए हैं भैया अपने रेलवे स्टेशन पर, जो कि आप देख रहे हो ताशकंद बोगजाल। बोगजाल स्पेशली बोलते हैं रेलवे स्टेशन को, जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं रेलवे स्टेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बट यहाँ पर बोलते हैं इनके लैंग्वेज में बोगजाल। तो ताशकंद बोगजाल पे आ गया हूँ। आपको समरकंद जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल मिल जाएंगे आपको, चाहे आप ट्रेन से भी जा सकते हो, सुपरफास्ट ट्रेन से भी जा सकते हो, एंड आप बस से भी जा सकते हो, टैक्सी से भी जा सकते हो, किसी भी चीज़ से जा सकते हो, बाई प्लेन भी जा सकते हो, बट मैंने चूज़ किया है अपना ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन का जो बजट है, जो रेट है, काफ़ी चीप है और मेरे बजट के अंदर ठीक बैठ रहा था, तो मैंने ट्रेन का किया है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको टिकट कहाँ से लेनी है और कितने रुपए की है, वो सारी चीज़ चलो मैं आपको अंदर चल के बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हो बोगजाल, ताशकंद बोगजाल यानी कि स्टेशन। तो देखिए यहाँ का स्टेशन कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख पा रहे हो ये यहाँ का स्टेशन, उज़्बेकिस्तान का स्टेशन, काफ़ी प्यारा बना हुआ है, अंदर से भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर उज़्बेकिस्तान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी हीटेड रहती हैं, सारी बंद रहती हैं, और बाकी आप देख रहे हो स्टेशन के बाहर बने हुए हैं कुछ पार्क टाइप के, ये फुलवाड़ी वगैरह रहती है। और जैसा कि आप देख ही रहे होगे यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। दोस्तों मैं बता दूँ मेरी ट्रेन का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे का है, बट मैं आ गया हूँ अभी टाइम से एक दिन पहले, यानी कि अभी बज रहे हैं रात के 6। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रेन मिस हो। यहाँ पर वैसे भी ट्रेन वगैरह सारी टाइम से रहती है, अगर मैं होटल रूम से अपने कल ही आता तो हो सकता है मेरे से छूट जाती, इसलिए मैं अपना डर के वजह से मैं आके बैठ जा रहा हूँ और अपने मैंने रूम को लेफ्ट कर दिया। मेरा एक दिन का किराया भी बचा और मेरे को सुटेबल भी ये चीज़ लगी, क्योंकि यहाँ पर बैठने का सुविधा काफ़ी अच्छी है, सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है। तो मैं आ गया हूँ ताशकंद स्टेशन पर और चलते हैं अभी अंदर, टिकट कैसे लेते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और टिकट कितने रुपये की होने वाली है वो भी सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी समरकंद जाना चाहते हैं बाय ट्रेन तो आप ये वाला वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे। और देखिए दोस्तों अभी हो चुका है स्नोफॉल स्टार्ट, आप देख रहे हो धीरे धीरे स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पर सारी सफ़ेद चादर ओढ़ रही है यहाँ की धरती। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का अभी मौसम हो रहा है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ टिकट घर पे, और आप देखो यहाँ पर टिकट घर का कुछ इस तरीके से नाम है, तैमीर योल कसालारी, यह है टिकट घर यहाँ का, यहाँ से ही मिलती है टिकट। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं टिकट किस तरीके से लेनी है। और ये जा रहा है मेन हाईवे, मेन हाईवे के ठीक सामने ही है रेलवे स्टेशन और टिकट घर, टिकट घर है रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में। दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये है यहाँ का टिकट घर, यहाँ से टिकट बाय कर सकते हो। देखिए टिकट बाय करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नंबर टोकन लेना पड़ेगा, और जब आपका नंबर आएगा तो पता चल जाएगा आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कि किस काउंटर पर आएगा। जैसे कि आपको एलईडी के सामने दिख रहा है आपका टोकन नंबर के साथ आपका नंबर आ रहा है, तो उसी पर आपका नंबर आएगा और आप यहाँ से फिर टिकट बाय कर सकते हो। टिकट बाय करने के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, जैसा कि मैं बता रहा था आपको प्लेटफॉर्म जस्ट बगल में। तो चलिए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की साइड। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं, ये देखिए। और दोस्तों उस साइड है, आप चेकिंग करा के आप जा सकते हो वेटिंग एरिया की साइड, यानी कि ट्रैक पे अपनी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं बता दूं अभी मैं चेकिंग एरिया से आ रहा हूँ, जहाँ से बैग लगेज वगैरह चेक होते हैं। तो पुलिस वाले बोल रहे थे टिकट, तो मैंने टिकट दिखाई उनको, तो बोलने लगे मुझसे कि टिकट तुम्हारी 9 बजे की है, कल 9 बजे की है। तो मैंने बोला हाँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं पहले से आके बैठ जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को खुद पे कंफर्म नहीं है कि मैं उठ भी पाऊँगा सुबह या फिर टाइम से पहुँच पाऊँगा, इसलिए मैं जल्दी आके बैठ रहा हूँ। तो कह रहे ओके ओके, मतलब यहाँ के लोग बहुत कम्फर्टेबल हैं, पुलिस वाले भी बहुत सपोर्टेबल हैं यार, सीरियसली। तो देखिए अभी आगे हम वेटिंग एरिया के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ वेटिंग एरिया किस तरीके का है। ये देखिए यहाँ से चलते हैं वेटिंग एरिया, यहाँ का है रेलवे स्टेशन और आगे फ्रंट साइड दिखता है आपको ट्रैक। यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, बट सारी नॉन वेज है, कॉफ़ी भी मिल जाएगी आपको, कॉफ़ी तो पी सकते हो आप, कुछ इस तरीके का कैफेटेरिया है। यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर है यार, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। तो गाइस फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है, और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रात स्टेशन पर पहुँच गया था, और रात मैंने अपना स्लीपिंग बैग निकाल के मैं सो गया स्टेशन पर। यहाँ पर सोना अलाउ तो नहीं है, बट मैंने साइड में जगह देख कर पुलिस वालों से पूछ कर सो गया मैं। और अभी मेरी ट्रेन आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की
जो सुपर फास्ट ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन है वो दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए ये बुलेट ट्रेन है, इसका भी टिकट अलाउ है बट इसे 3 या 4 दिन पहले बुक करना पड़ता है, और हमारी ये ट्रेन वो। तो अभी हम जा रहे हैं अपने ट्रेन में और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर ट्रेन का किस तरीके का हिसाब किताब है, बैठने की सीट्स वगैरह कैसी हैं और क्या फैसिलिटी है। तो चलिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, ये सारे लोग उतर के आए हैं अभी इस ट्रेन से और इसी ट्रेन में हम जा रहे हैं बैठने, और स्नोफॉल अभी भी स्टार्ट है तो दोस्तों आप देख रहे हो, और चलते हैं अभी समरकंद के लिए। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और मैं आपको देता हूँ अपने ट्रेन का टूर। देखिए ट्रेन किस तरीके की है दोस्तों, आज जो हमारी सीट है वो हमारी सिटिंग सीट है। तो मैं आपको बता दूँ इस ट्रेन के अंदर जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना जनरल डिब्बे होते हैं, सारे लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सिटिंग सीट होती है यहाँ पर एक कोच के अंदर अपार्टमेंट टाइप के बने होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के अपार्टमेंट बने हुए होते हैं, आप देख पा रहे हैं ये अपार्टमेंट बने हुए हैं, ये देखिए, और कुछ इस तरीके के अपार्टमेंट बने हुए हैं। इस अपार्टमेंट में दोस्तों 6 सीट होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 1 2 3 3 सीट इस साइड, तो 6 सीट होती हैं इस साइड एक अपार्टमेंट के अंदर। तो ये सिटिंग सीट है, और दोस्तों ताशकंद से जो समरकंद की दूरी है उसकी समथिंग 300 या 350 किलोमीटर है। जो टिकट का किराया रहने वाला सिटिंग सीट का वो 600 से 650 के बीच का या 700 के बीच का रहने वाला होता है, मतलब कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो टिकट का किराया 650 से 700 रुपये पड़ेगा आपको सिटिंग सीट का। और कुछ इस तरीके का अपार्टमेंट है, आपको इसमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे ऊपर की साइड, USB, एंड दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको लगेज के रखने का जगह भी मिल जाएगा। आपको इस तरफ भी लगेज रखने की जगह मिल जाएगी और इस तरफ भी लगेज रखने की जगह मिल जाएगी, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से विंडो का सीट का नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इसके साथ ही मिल जाती है हमें एक प्यारी सी टेबल जिसपे हम अपना कुछ रख के खा भी सकते हैं, लंच डिनर कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह में यूज कर सकते हैं इसे हम। और सामने कुछ इस तरीके के नज़ारे, जैसे अभी ट्रेन चल रही है तो आप देख पा रहे हैं। तो ये था मेरे ट्रेन का टूर, और बाकी अभी चलते हैं समरकंद, थोड़ी देर में पहुँचने वाले होते हैं समरकंद, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, बाकी आपको समरकंद के नज़ारे दिखाएंगे और समरकंद का स्टेशन दिखाएंगे कि किस तरीके का समरकंद का स्टेशन है। और कुछ दिन अभी समरकंद में रुकने वाले हैं तो समरकंद के ही वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं समरकंद रेलवे स्टेशन पर, और मैं हूं अभी समरकंद रेलवे स्टेशन के अंदर। तो मैं यहां का दिखाता हूं आपको रेलवे स्टेशन किस तरीके का है। दोस्तों सच बताऊं पूरा खाली है, जैसे हमारे इंडिया में भरा रहता है ना एकदम, उस तरीके का नहीं है। थोड़ा बहुत उज्बेकिस्तान में भीड़ थी बट समरकंद में लोग कम आते होंगे, आते हैं एक का दुक्का, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भीड़ नहीं है। बट काफ़ी बड़ा स्टेशन बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जगह घूमने आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों ये है समरकंद का रेलवे स्टेशन, देखिए यहाँ पर आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, और ये है सिटिंग एरिया यहाँ का, ये देखिए झूमर कितने प्यारे टंगे हुए हैं, और कुछ इस तरीके का यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ का ना नान बहुत फेमस है, मतलब आप जैसी ट्रेन से उतरेंगे ना आपको नान लेते हुए लोग दिख जाएंगे। देखिए नान का मैं आपको काउंटर दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी नान है तो नहीं बट नान इस तरीके के यहाँ पर बिकते हैं, आप जिस तरीके से ट्रेन से उतरोगे ना आपको नान दिख जाएंगे। ये देखिए जो बड़े बड़े नान हैं, यही ये नान बहुत फेमस है समरकंद का। तो सारे लोग ना 5-5, 10-10 नान लेके जा रहे थे, पता नहीं वो दूसरी जगह नहीं मिलते होंगे शायद, तभी यहाँ से नान वगैरह ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं समरकंद से रेगिस्तान की साइड, जो कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर, तो अभी चलते हैं, बाकी देखते हैं टैक्सी वगैरह। मैं आ चुका हूँ अभी रेलवे स्टेशन के बाहर, और आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो यह है समरकंद बोगजाल। मैंने बताया था ना कि बोगजाल बोलते हैं स्टेशन को, तो अभी हम समरकंद बोगजाल से बाहर आ चुके हैं और अभी तलाशते हैं किसी टैक्सी को जो चीप बजट में हमें हमारे होटल छोड़ दे। हमारा होटल है यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर, जो है रेगिस्तान होटल, हमने बुक किया नहीं है बट हम आसपास में ही देख लेंगे, चीप रेट में कोई होटल देख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी स्नोफॉल काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है, आप देख ही पा रहे हो चारों तरफ, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यह है समरकंद बोगजाल, और देखिए स्नोफॉल काफ़ी हो रखी है बट टेम्परेचर बहुत ही प्यारा है यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, तो घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। और अभी चलते हैं रेगिस्तान की साइड। तो गाइस अभी हम आ गए रेलवे स्टेशन से बाहर, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम, जैसा कि होता है ना कि मतलब हमारे यहाँ ट्रेन वगैरह चलती है पटरियों पर, बट यहाँ पर रोड के ऊपर लाइन बनी हुई है, जो ट्रेन की पटरी बनी हुई होती है ना यहाँ पर, पता क्या है जो बसें हैं बसों के ऊपर ना लाइन बिछ रखी है, यानी कि जो हमारे इंडिया में नॉर्मल बसें चलती हैं पेट्रोल डीजल वगैरह वाली ना, यहाँ पर जो बसें हैं उनके ऊपर लाइन बिछी हुई है, इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रैम्स। तो ये ट्रैम्स ना बिल्कुल सीधी अपनी लाइन में चलती है जहाँ पर इनकी पटरी होती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए लाइन बिछ रखी है ना यहाँ रोड पे, और आप देख रहे हो वहाँ पर खड़ी हुई हैं बसें, ये ट्रैम्स हैं, ये तार के ऊपर चलती हैं, जो कि आप तार देख रहे हो ना, और ये काफ़ी चीप बजट में पहुँचा देती हैं आप जहाँ भी जाना चाहते हो। तो अभी देखते हैं अगर ट्रैम से जाएंगे तो, या फिर टैक्सी का हमें सही बजट में मिल गई तो टैक्सी से भी चले जाएंगे। अभी एक टैक्सी वाले भैया आए हमसे 30,000 बोल रहे हैं, 30,000 यानी 5 किलोमीटर का, जो कि काफ़ी है 30,000 से
अगर हमें 10,000 या 15,000 सौ में भी छोड़ते हैं तो हम उनसे चले जाएंगे। देखिए वो ट्रैम्स जैसा कि मैंने आपको बताया था ये अपनी लाइन पर चलती है सीधी। देखिए एक वो भी जा रही है और एक ये भी जा रही है ये ट्रैम्स। और भाई साहब मैं आपको बता दूं ना यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, जैसे ये भाई साहब देख रहे हैं, इन भाई साहब ने हमसे बोला कि मैं आपको लेकर चलता हूँ और पेड़ भी हमारा यही कर रहे हैं। मतलब इन्होंने बोला कि मैं आपका पे कर दूंगा, आपको जरूरत नहीं है पे करने की। तो इतना मतलब अच्छा लगा, इतने काइंड लोग हैं यार। यू आर गुड मैन सर, यू आर व्हाट इज योर नेम? अकमल। तो अकमल भाई साहब हैं ये पे करने का कह रहे हैं कि मतलब मेरा किराया ये पे कर देंगे। तो मतलब मैं जैसे कि बताया था ना समरकंद उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत ही गुड हैं। यू आर गुड पर्सन, यू आर वेरी काइंड। आई एम फ्रॉम समरकंद। यू आर फ्रॉम समरकंद? ओके ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड थैंक यू रख मैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेम्स के अंदर। ये देखिए ट्रेम्स कुछ इस तरीके की होती है, ये चलती है पटरी पे और भाई साहब ने हमारा किराया दे दिया है और इसके साथ साथ हमें दे दिए हैं 2000 सोम और एक्स्ट्रा दे दिए हैं। इन्होंने बोला कि उधर से आओगे तो फिर उसके बाद दे देना। मतलब इतने अच्छे इंसान है, ये मुझे भी दे दिए और मेरे साथ का जो लड़का है उसको भी दे दिए इन्होंने। मतलब सीरियसली क्या बोलूँ मैं, इतना हमारे इंडिया में भी नहीं करते लोग यार। सीरियसली बहुत ही अच्छे इंसान है यार, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा अंदर से। आज बहुत ही गुड फील हो रहा है कि मतलब मैं बहुत अच्छे देश में आया हूँ, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल के अंदर जो कि है समरकंद के अंदर। और हॉस्टल ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि पहले से मुझे पता था, मैंने लोकेशन पे देख लिया था। और यहाँ पर दो हॉस्टल हैं एक ही नाम से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। पहले हम होटल चले गए बट हमें हॉस्टल आना था। हॉस्टल का नाम है रेगिस्तान, मतलब यहाँ पर जो मॉस्क है ना उसी के नाम से है और मॉस्क के आस ही पास है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी ये हॉस्टल का जो टूर है मैं इसके लिए एक प्रॉपर सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर लोकेशन, इसका प्राइस, इसका पूरा टूर देने वाला हूं। तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। आप कभी आते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इस हॉस्टल के अंदर किचन वगैरह सब कुछ है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरी वीडियो आप देख रहे हो, पसंद आ रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।